हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सबसे पहले आप सबको आज है सावन की शिवरात्रि, महादेव की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। और आप लोग को पता है कल जैसे हम लोग पार्टी में गए थे, लेकिन अभी पार्टी वाली वीडियो नहीं आएंगी। और क्यों नहीं आएंगी आप लोग को तो सब कुछ पता है। तो इसी बीच में हमारे कौन आएंगे, इन लोग को कपल को जानते हैं, नया नया चेहरा भी यूट्यूब पर उभर के आया हुआ है। कैसी हो अंशु? बहुत बढ़िया। ये अंशु है, ये अंशु के हस्बैंड मियाँ बीबी। बेचारी का तबीयत ख़राब हो गया है और रात को आई थी, फिर सब लोग सो मतलब कि टाइम नहीं दे पाए थे हम, कि चलो थोड़ा सा सब सुबह मिलते हैं और बातें करते हैं। फिर भी रात को आई थी। हाँ, रात को आए थे लेकिन ब्लॉग नहीं शूट कर पाए थे, जैसे कि ऐसा अजीब सा लग रहा था। चलो सोनाक्षी, इधर चलोगी? ये देखो, इनको जानते हैं गाइस, ये हमारी बेटी है, इनकी भी शादी 5 साल बाद करेंगे। अंशु की तरह नहीं, मेरा तो थोड़ा ये हो गया, खाना पीना के वजह से थोड़ा जल्दी, हम सोच रहे थे कि फैमिली मिल जाएगा, कोई बहने जो होता है अच्छे के लिए हो जाता है। मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है ना, अब सही रहेगा, लेकिन शादी का तो और ठीक नहीं रहता, देखने वाला लोग तो हो जाएगा, देख के लगता है कि कमजोर बहुत हो। देख तो मैं 3 साल से खाना नहीं खाना, 3 साल से बस मैगी 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 बाहर का ही, तो अपन खाना जो है आप इनके घर जाके मिलता है या फिर अपने मायके जाते हैं वहाँ से मिलता है। चलिए बड़े मिलते। तो गाइस, जैसे कि रात को लेट हो गया था और 2-3 बज गया था हम लोग को सो, अरे आती हुई पार्टी से, फिर रात को जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि आँख में बहुत जलन था, हम 1-2 घंटा सो लेते, सुबह निकलते हैं। यहाँ पीती सो रहा है, अभी मैं इसको किस करके निकलती हूँ। बाय बाबू, बाय बाबू, बाय बाबू, बाय बाबू। चलिए, अभी सब सो रहे हैं और मिल लेते हैं अंशु से, वो सब उठ गए हैं। चलो अंशु बाय, देखते हैं जा रहे हैं, क्योंकि आज शिवरात्रि है, घर पे जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। चलो अपना ख्याल रखना, शाम को पार्टी स्विमिंग का पूजा करती हूँ ना, 7 से 8 बजे हो गए पूजा। चलो मेरा आशीर्वाद है, जल्दी कुछ कर भी सुना। 5 साल तक कुछ नहीं, अभी हम खुद ही बच्चे हैं। चलिए भैया नमस्ते, अच्छा लगा आप मुझसे मिलकर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलो चलते हैं, क्योंकि मनीषा निशा सो रही है। अरे नहीं, तुम सो, हम जा रहे हैं, इधर सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि रात भर जा रही, 2-3 दिन से चला रहे हैं। चलो जी, बाय गिट्टो। क्या करें, नहीं जाएंगे तो हम कैसे समझेगा हमारा सरकार। नहीं, यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और सबकी मनीषा सोए थे, अच्छा भी नहीं लग रहा था कि उनको जगाऊं, क्योंकि 2-3 दिन से गाड़ी चला रहे थे और डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके सोने। तो मनीषा से मिलकर बाय बोलकर चली आई हूँ और अंशु से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जो भी ब्लॉग आएगा, कुछ भी जो पार्टी से गए थे जगराता में, आप सबको मिल जाएगा ब्लॉग देखने के लिए। पहले हम सोचते थे इनका फंक्शन हो, वो ब्लॉग डाल दे तब हम लोग डालें, वैसे हम ज़्यादा वहाँ गए थे, शूट भी नहीं किए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी और इतने लोग भी थे, अच्छा लगा हमके, चलिए मिले, टाइम दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये किट्टू का सोसाइटी है, अभी ये नया फ्लैट बन रहा है, फ्लैट नहीं बन रहा है ये, हाँ क्लब बनेगा,
क्लब बना दो, तो कितना बड़ा क्लब बनेगा। और नहीं तो क्या, चाचा कह रहे थे। हाय मनीषा, कैसे हो? बढ़िया है। मनीषा की दुनिया हमको तो याद ही नहीं है, हम तो आज कल अलग ही रो रहे हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। सेम सेम हो गया है थोड़ा, है ना? अरे यार छोटू क्या कर दिए ये। खुश रहो मनीषा, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। इधर बैठ गए सर बाबू के लिए। वो बाबू उनका बोलचाल नहीं है ना। अरे छोटू को देखो मेरे कैटेगरी में आ गया। अभी जानते बाबू क्या कहते हैं ना, मनीषा बोल रहा था, मनीषा कुछ करने के लिए बोल रहा नहीं, मनीषा बोल रहा था कार्तिक। मनीषा किधर है? मनीषा इनको देखो, बाप रे सर, माता भी। अरे इनको समझाइए, पति पत्नी की लड़ाई चल रहा है। किसका है ये हमला? हम लोग भाई भाई है, हम लोग भाई भाई है। आपने मुझे फोन लेके सिखाया था ना क्या, बात करे, बात मेरे जैसी बन जाओ। है? हाँ। तो हाँ भाई, हाँ मैंने सिखाया है, किट्टो को भी सिखाया। सचिन मनीषा की नकल कर रहे हैं, वंदना दीदी को भी सिखाए थे। चलो वंदना, ये गड़िया बंद करो जी। आप पहचान गए, ये देखो छोटू भैया को दो फोन दो। छोटू भैया कैसा आ जाता है? छोटू भैया, छोटू भैया हम लोग ओ शर्मा रहा, शर्मा तुमको सब शर्मा रहा है। एक एक चीज देख रहे हैं छोटू भैया, फोटो खिंचवाई हो, हर चीज की एक एक चीज देख रहे हैं। खाना पे नहीं नहीं नहीं, कैमरा से, सीसीटीवी से। पहले तुम लोग बातें की, रूम के अंदर कैमरा नहीं लगता है? नहीं, रूम के अंदर नहीं लगता है, रूम के अंदर नहीं लगता है। हां तो डाड़ी है आगे से। नहीं नहीं, अरे बाबू का जूता पालतू पहना रहे हैं हम, क्या कैमरा हमारा चेंज करवाए उसका भी सब रखा तो था। नहीं हम देखे कि तुम निकले कि नहीं निकले, तो कैमरा ऑन किए, देखे सुबह बैठ के फोटो खिंचा रहे हो। फोटो नहीं, रील था वो, हमको लगा फोटो खिंचवा रहे हो। वो लोग शायद उस कमरे में वहाँ गए थे कपड़ा डालने के लिए, उन लोग को जगह नहीं मिला, ढूंढ रहे थे फिर गए वो किचन के वाले रूम के बगल में, तो वहाँ से गए शायद डाले हैं। चलो हम जगराता में लाल ही पहने ना, छोटू भैया हुआ है।